हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। स्वागत हो गया एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक नए मैच के प्रेडिक्शन वीडियो में। आज का मैच जिस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, द 100 मेंस लीग 2024 का मैच नंबर 23, जो कि लंदन स्प्रिट यानी कि LNS वर्सेस MNR यानी कि मैनचेस्टर ओरिजिन्स के बीच में। दोस्तों मुकाबला आज के ही डेट 9 अगस्त रात 11 बजे स्टार्ट होगा और दोस्तों ये मैच जो है खेला जाने वाला है लॉर्ड्स लंदन की पिच पर। तो आज के इस मैच में पिच रिपोर्ट क्या होगी दोस्तों, बैटिंग पिच होगी या बॉलिंग पिच, या दोस्तों पिच बैलेंसड हो सकती है या फिर पेसर या स्पिनर किसको ज़्यादा यहाँ पे विकटें मिल सकती हैं। खास करके दोस्तों हमारी मेगा ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग टीम का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, 11 इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आज के इस मैच में कौन से रहने वाले हैं और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करके चलेंगे, सारी जानकारी आपको वीडियो के अंदर मिलने वाली है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे फ्री गिवे भी रहने वाला है। आपको पता है इस चैनल पर आने वाले सभी मैचेस की वीडियो में आपको फ्री गिवे दिया जाएगा और आपको पता भी है कि यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि जो कि दोस्तों कोई भी जवाब दे सकता है, मतलब अपने हिसाब से। दोस्तों आप लोग कमेंट्स करिए वीडियो को देख करके, वीडियो से रिलेटेड वीडियो को लाइक करके, तो फिर उस कंडीशन में दोस्तों आपका जो है कमेंट्स वो पिक किया जाएगा। और दोस्तों मैच खत्म होने बाद अनाउंसमेंट टेलीग्राम चैनल पर होगा, तो टेलीग्राम चैनल आप लोग कैसे ज्वाइन करेंगे कमेंट सेक्शन और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने लिंक दे रखा है। यहाँ पे आपको टॉस होने के बाद जो है मैच का अपडेट भी मिल जाता है और फिलहाल फ्री में मेगा ग्रैंड लीग स्मॉल लीग टीम मिल जाती है और साथ साथ यहाँ पे जो गिवे विनर होते हैं उनको भी अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। तो बिल्कुल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट सेक्शन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। करना क्या गाइस, आपको वीडियो को लाइक करना है एंड दोस्तों चैनल पर नए सब्सक्राइब करके और फिलहाल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और एक कमेंट्स करना गाइस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको लगे भाई, ठीक है। फिर मैं दो कमेंट्स पिक करूंगा, फिर दोस्तों आपको जो है डायरेक्टली 50-50 रुपीज़ का जो है गिव वे प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है जितने भी मैचेस में हम गिव वे कर रहे हैं सभी के फिलहाल गिव वे अनाउंसमेंट किए जाते हैं और आप सभी को पेमेंट दी जाती है, ठीक है। फिलहाल आपको ये पैसे कम लग रहे होंगे दोस्तों, बट आने वाले टाइम में फ्यूचर्स में आपको इससे बड़े बड़े प्राइस देखने को मिलेंगे इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और दोस्तों सपोर्ट आप लोग बना रहेगा। हाँ दोस्तों, बात करते हैं काम की, पिच रिपोर्ट क्या हो सकती है, इंपॉर्टेंट होती है। आपको पता है पिच रिपोर्ट अगर आप समझ गए तो अच्छे यूनिक टीम खुद से भी बना सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो पिच रहने वाली लॉर्ड्स लंदन, यहाँ पे टोटल मुकाबले 46 खेले गए, जिसमें जो टीम पहले बैटिंग करी उसने 26 मुकाबले जीते और चेस कलर टीम ने 19 मुकाबले जीते हैं। स्कोरिंग पैटर्न ने 150 का स्कोर 14 बार बनाया, 150 से 169 के बीच का स्कोर 11 बार बनाया, 170 से 189 के बीच के दोस्तों स्कोर 7 बार एंड 190 प्लस का स्कोर भी कहीं ना कहीं 14 बार बन चुका है। तो गाइस देखिए, यहाँ पे दो तरीकों से आपको टीम बना के चलनी है। एक टीम जो कि दोस्तों होगी उसमें आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बॉलर्स भी रखना होगा, ठीक है। एक टीम ऐसी होगी जिसमें कि दोस्तों आप बड़े बड़े बॉलर्स को भी ड्रॉप करके चल सकते हो, क्योंकि दोस्तों स्कोरिंग पैटर्न से यही समझ में आता है कि पिच दोस्तों बैलेंसड हो जाती है, मतलब यहाँ पे बॉलर्स को भी हेल्प मिल जाती है किसी किसी मैच में और किसी मैच में दोस्तों बैट्समैन भी ताबड़तोड़ बैटिंग करके यहाँ पे जाते हैं। हालांकि जो ओवरऑल एवरेज स्कोर यहाँ पे 163 का है, 163 का हाई स्कोर दोस्तों इस वेन्यू पे बना, 237 का लोवेस्ट, यहाँ पे 78 रन पे टीम ऑल आउट भी हुई है। स्पिनर पेसर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो दबदबा है ना भाई इस वेन्यू पर, वो पेसर बॉल्स को ज्यादा विकेट मिलती है। हालांकि स्पिनर की बात करेंगे तो कुछ इंपोर्टेड स्पिन बॉलर्स भी आपको अपने फैंटेसी टीम में लेकर के चलने होंगे। लास्ट के कुछ मैचेस इस वेन्यू को दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, जो कि OVI टीम 147 फर्स्ट बैट करते हुए LNS टीम जो 117 रन ही बना पा रही है। हालांकि दोस्तों मैच को हार गई थी लंदन स्प्रिट और यहाँ पे पेसर को 7 विकेट, स्पिनर को दोस्तों 7 विकेट मिल गई थी। अगेन दोस्तों यहाँ पे मैच देख सकते हो, वेल्स फायर 94 रन बना रही है, LNS टीम 95 बना करके मैच को जीत रही है, यानी कि जो कि लंदन स्प्रिट टीम दोस्तों स्पिनर को 4 और पेसर को यहाँ पे 12 विकेट मिल गई थी। लंदन स्प्रिट फर्स्ट बैट करते हुए 127 का स्कोर, यहाँ पे बर्मिंघम फोनिक जो है दोस्तों 131 बना करके मैच को जीत रही है, स्पिनर को 2 विकेट थी और पेसर को गाइस कहीं ना कहीं यहाँ पे 11 विकेट। देखिए गाइस लास्ट 3 मैचेस अगर आप देखोगे ना यहाँ पे, तो भाई पेसर का दबदबा रहा इस वेन्यू पर देख सकते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं स्पिनर यहाँ पे कुछ कम अपने फैंटेसी टीम में आप लेकर के चलिए, ऐसा नहीं कि स्पिनर को विकेट नहीं मिलती, विकेट मिलते गाइस, बट थोड़ा सा समझ के सूझबूझ से ही हमें प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा बॉलिंग सेक्शन से गाइस। अभी यहाँ पे दोस्तों लंदन स्प्रिट का ये होम ग्राउंड है और अगर हम बात करें गाइस लंदन स्प्रिट के लास्ट 3 मैचेस, तो आप देख सकते हो यहाँ पे फिलहाल मैच हारी हुई है और यहाँ पे दोस्तों जीती हुई है और यहाँ पे भी लंदन स्प्रिट मैच हारी हुई है अपने होम ग्राउंड पर, मतलब 3 मुकाबलों में से लास्ट के 2 मुकाबले हारी हुई है और दोस्तों कहीं ना कहीं एक ही मुकाबला जो है टीम ने जीता है अपने होम ग्राउंड पर। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करेंगे तो टोटल 3 मैच हुए हैं अभी तक दोनों टीम के बीच में, जिसमें कि दोस्तों MNR टीम ने फिलहाल 1 मैच जीता और लंदन स्प्रिट ने दोस्तों 2 मैच जीते हुए। रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो भाई मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का बहुत बुरा हाल है, आप देख सकते हो भाई जोस बटलर टीम में मौजूद नहीं, टीम मतलब क्या ही परफॉर्मेंस दे रही है, आप देख सकते हो सभी मैचेस हार करके आ रही है। एंड अगेन अगर हम बात करें लंदन स्प्रिट की, तो इस टीम ने थोड़ा सा परफॉर्मेंस ठीक दिया बट उतना खास इस टीम का भी नहीं है, 5 मुकाबलों से 1 ही मुकाबला इस टीम ने जीता रिसेंट के, ठीक है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पे बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में जो रहने वाली है लंदन स्प्रिट की, कही तो यहाँ पे जो ओपनिंग देखने को मिलती है
केटन जेनिंग्स और मिचेल पेपर, फिर ओली पॉप, डेन लोरेंस, सिमरन हेटमेयर, एंड्रू रसल, मैट ग्रिंचिल्ड, लियम डोसन, रिचार्ड ग्लेसन, ओली स्टोन, यहाँ पे दोस्तों नथन लिस। इस हिसाब से आपको इस टीम की जो है पॉसिबल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों यहाँ पे देखिए स्पिनर जो है वो है लियम डोसन, एंड यहाँ पे आपको मैट क्रिंचली स्पिनर मिल रहे हैं, और दोस्तों साथ साथ यहाँ पे डेन लोरेंस में स्पिनर मिल, बाकी दोस्तों यहाँ पे साबिक ही कैसा बिग जो बॉलिंग करते हैं वो पेसर बॉलर्स हैं। अब दोस्तों यहाँ पे स्टार्टिंग की ओर जो कराते हैं देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एंड्रू रसल, रिचार्ड ग्लेसन, ओली स्टोन, डेथ की बात करेंगे तो रिचार्ड ग्लेसन, नथन लिस और फिलहाल ओली स्टोन, ध्यान दीजिएगा गाइस ये इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे जो कि बॉलिंग सक्सेस थे। अगेन यहाँ पे प्लेयर के स्टैट्स एंड रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो फिर यहाँ पे केटन जेनिंग्स दोस्तों अभी देखे होंगे, दोनों ही मैचेस में इन्होंने एवरेज रन बनाए, काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर सकते हो 14 और 31 की, तो ये खिलाड़ी कहेंगे आपके लिए यूनिक हो सकता है, क्योंकि लास्ट अगर 5 मैच देखोगे तो यहाँ पे भी 24 है, यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों 41, मतलब मेगा ग्रैंड लीग अगर आप 2 से 3 टीम के साथ चलते हो तो एक टीम में दोस्तों इस खिलाड़ी को एज अ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी पिक करके चल सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पे मिचेल पेपर आउट ऑफ फॉर्म देख सकते हो, यहाँ पे 12-16-3, यहाँ पे 2, इस खिलाड़ी से बेस्ट तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको मिल रहा है केटन जेनिंग्स, बट कहीं ना कहीं मिचेल पेपर के पास अनुभव है, हालांकि मैं इस खिलाड़ी के साथ चलना चाहूंगा अगर ट्रम्प कार्ड यूज करता हूँ दोस्तों तो ठीक है। तीसरे नंबर के खिलाड़ी अगर हम बात करें तो फिर ओलियो पॉप जो कि राइट बैट्समैन है, रिसेंट आप देख सकते हो उतना खास इनका भी रोल नहीं है, हालांकि सामने टीम के इसमें कोई मैच नहीं है, वेन्यू पे 2 मैच में 16 ही रन है, और फर्स्ट बैट करते हुए 1 मैच खेला 10 रन, सेकंड बैट करते हुए 4 मैच में 26 रन, गए ड्रॉप कर सकते हो अगर आप ये सोच कर रखकर दोस्तों, जैसे यहाँ पे 15 और 12 हिसाब से पारी आ गई तो हेड टू हेड टीम में ट्राई कर सकते हो। अगले खिलाड़ी दोस्तों डेन लोरेंस जो कि रिसेंट 4 यहाँ पे 27-29-1-38 प्लस 1 विकेट, 17 प्लस 1 विकेट, सामने टीम के अगेंस्ट में 2 मैच में 10 रन दोस्तों, वेन्यू पे 11 मैच 245 रन 27 का औसत है, खिलाड़ी को अगर आप टीम में ट्राई करना चाहते हो फर्स्ट बैट करते हुए रखेगा, हालांकि खिलाड़ी टीम में रखने लायक होगा क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो 28 प्लस 1 29 क्या इस पारी 27 और यहाँ पे 2 मैच में फ्लॉप था, तो मेगा ग्रैंड लीग का ये पिक रहेगा। बाकी दोस्तों अगले खिलाड़ी रहने वाले सिमरन हेटमेयर जो कि आप देख रहे हो इंडिया में कुछ खास हो नहीं रहा, 20-30-16 हिसाब से ये एवरेज रन देकर गए, हालांकि सामने टीम मेगा इसमें कोई मैच नहीं है, वेन्यू पे 3 मैच 66 रन 33 का औसत है, खिलाड़ी को रखना चाहते हो तो चेस करते हुए रखेगा मेगा ग्रैंड लीग की टीम में, अदरवाइज ड्रॉप कर सकते हो। एंड्रू रसल सीबीसी ट्राई कर सकते हो, और दोस्तों अभी तक आपने देखा कि ड्रीम टीम के लिए ये काफ़ी अच्छे पिक नहीं हुए अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, हालांकि करना चाहिए हमें इस मैच में क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बॉलिंग बैटिंग दोनों कर रहे हैं और पेसर भी हैं खास करके, इसलिए सामने टीम के केस में कोई मैच नहीं, वेन्यू पे 4 मैच 54 रन दोस्तों 1 विकेट है, खिलाड़ी फर्स्ट बैट करते हुए अच्छा करता है जब टीम ये पहले बैटिंग कर रही हो तो भाई बिल्कुल कैप्टन की पिक आप लेकर के चल सकते हो। मैट क्रिंचली बॉलिंग और बैटिंग दोनों हैं, लास्ट मैच 37+0 यहाँ पे 0+1 4+0 हिसाब से परफॉर्मेंस है, बॉलिंग भी करता है बैटिंग भी करता है, तो खिलाड़ी को ट्रम्प कार्ड आप बना सकते हो इस मैच में दोस्तों ठीक है। ट्रम्प कार्ड इसलिए बनाएंगे क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों के चांस बनते हैं इस खिलाड़ी के, तो बिल्कुल आपको पिक करना होगा। लियम डोसन वाइस कैप्टन के एक यूनिक ऑप्शन होंगे जो कि एंड्रू रसल के साथ कॉम्बिनेशन भी आप करके चल सकते हो, हालांकि बॉलिंग से ये खिलाड़ी कंसिस्टेंट 2-3 मैचेस से रहा है, 3 विकेट हाइस भी है, तो कहने के कैप्टन इसको करके वाइस कैप्टन जो है आप एंड्रू रसल को कर सकते हो गाइस ठीक है। बाकी वेन्यू पे 12 मैच में 17 विकेटें हैं, 59 रन है, सामने टीम के इसमें 4 मैच में 8 रन 4 विकेटें हैं, बॉलिंग से बढ़िया कर रहा है। रिचार्ड ग्लेसन काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी गई, हालांकि 100 मेंस के ज़्यादा मैचेस नहीं खेले उन्होंने, बट बॉलिंग आप देख सकते हो लास्ट के कुछ मैचेस इन्होंने जो T20 फॉर्मेट में खेले हैं भाई अच्छे विकेट निकालते हैं, तो टीम में तो आपको लेकर के चलना होगा। लास्ट मैच दोस्तों फिलहाल हमने टीम में लेकर के दिया था। ओली स्टोन जो कि अगर आप देखोगे लास्ट मैच फ्लॉप हो गए थे, हालांकि इस मैच की बात करेंगे तो फिर भी कहीं ना कहीं मुझे उम्मीद थोड़ी सी कम होगी। एंड अगेन यहाँ पे नथन लिस जो कि लास्ट मैच फ्लॉप हुए, बाकी इस वेन्यू पे 11 में 10, सामने टीम के गेस में 3 में 2, खिलाड़ी को टीम में रखने की बात करें तो फिर कहने के रखना होगा, बट 2-3 मेगा ग्रैंड लीग की टीम बनाते हो भाई तो दो, मतलब मान लीजिए आप 2 टीम बना रहे हो मेगा ग्रैंड लीग तो एक टीम से ड्रॉप कर सकते हो गाइस ठीक है, फिर उसके जगह पे आपके ओली स्टोन या फिर ट्राई कर सकते हो, दो में किसी एक का रखना है सिलेक्शन गाइस आपको ठीक है। अगेन यहाँ पे दोस्तों जो बेंच आपको मिलने वाले हैं वो देख सकते हो आप लोग, डी ओरल टेलर यहाँ पे दोस्तों ड्रमोंड जो कि खेल कर गए हैं, हालांकि दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे जो अपडेट होगा वो टेलीग्राम चैनल पर आपको कंफर्म वाला मिल जाएगा। अगेन दोस्तों मैनचेस्टर ओरिजिनल टीम के बारे में बात करेंगे, MNR टीम के बारे में, तो इस टीम का दोस्तों बहुत बुरा हाल है, हालांकि मैथ्यू हर्ष और फिलिप साट ये दोनों ओपनिंग करते हैं, और हर्ष दोस्तों बढ़िया खिलाड़ी है, वैन्य मेडसेन मिल जाएंगे, फिर मैक्स होल्डन, सिकंदर रजा, पॉल वोल्टर, और यहाँ पे जेमी ओटन, उसामा मीर, टॉम हॉटलेस, कोट करी और फजल अकफारूकी दोस्तों ठीक है। तो आप लोग देखिएगा अब यहाँ पे स्पिनर जो है वो है दोस्तों टॉम हॉटली, उसामा मीर ठीक है, उसके बाद आपको मिलते हैं सिकंदर रजा जो कि स्पिन बॉलिंग करते हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से आपको खिलाड़ी मिलेंगे जो बॉलिंग कराएंगे ठीक है, तो वो फिर पेसर हैं। स्टार्टिंग में फजल फारूकी, पी होल्डर, स्कोर करी, वर्क कराते हैं, डेथ में अगर हम बात करेंगे इस तो कहीं ना कहीं यही आपको जो है डेथ में भी बॉलिंग करते हुए नजर आते हैं। अगेन यहाँ पे प्लेयर के स्टैट्स एंड रिसेंट फॉर्म की बात करेंगे तो फिर मैट्यू हर्ष जो है ये काफ़ी बढ़िया खेल रहे हैं, 78 और यहाँ पे 50, काफ़ी बढ़िया बैटिंग कर सकते हो, और दोस्तों ये खिलाड़ी ने जो है फिलहाल इसी सीजन डेब्यू किया है, 3 मैच खेले हैं चेस करते हुए, 130 रन 65 का औसत है, खिलाड़ी बढ़िया है, मेगा ग्रैंड लीग के लिए सीबीसी भी ट्राई कर सकते हो।
ठीक है, क्योंकि सामने टीम में भी आप देख रहे हैं निहलिस जो है आउट ऑफ फॉर्म, ओली स्टोन जो है वो भी आउट ऑफ फॉर्म, अंदरसल वो भी आउट ऑफ फॉर्म, जो कि दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से तो उस कंडीशन में रन पड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिलसार्ड की बात करेंगे तो 34 यहाँ पे 40 फॉर्म में आ चुके हैं, हालांकि खिलाड़ी को टीम में तो आपको पिक करके चलना होगा। सीबीसी की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगा चेस करते हुए एक टीम में आप ये वाला कॉम्बिनेशन करोगे तो आपके लिए यूनिक हो जाएगा। अगर दोस्तों मेगा ग्रैंड लीग में नहीं करते हो तो स्मॉल लीग या हेडवेट की टीम में एक कॉम्बिनेशन ये वाला कर सकते हो। आप लोग बढ़िया रन बनाएंगे आज के इस मैच में। वैनी मेडिसिन 15-0, 44-28, 5 हिसाब से इनका परफॉर्मेंस है, हालांकि ड्रीम टीम से बहुत ज़्यादा बाहर रहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं। सिलेक्शन की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फर्स्ट बैट करते हुए मैं ट्राई कर सकता हूँ। मैक्स वेल्डन 40 रन की लंबी पारी, उससे पहले आप देख सकते हो लगातार फ्लॉप है, तो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। दो में किसी एक का सिलेक्शन करने की बात करें तो फिर वैनी मेडिसिन के साथ जाना पसंद करूंगा। अदरवाइज दोस्तों सिकंदर रजा बॉलिंग बैटिंग दोनों तरफ से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टीम में रख लीजिएगा। सीबीसी दोस्तों तो उस लायक है नहीं, क्योंकि देख सकते हो रिसेंट कुछ मैचेस में, हालांकि लास्ट मैच में 2 विकेट मिल गई थी तो बढ़िया परफॉर्मेंस हो गई थी। बाकी पॉल वोल्टर आपके लिए सीबीसी का ऑप्शन भी है, अगर आप ट्राई करना चाहते तो एक टीम में दोस्तों ये वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हो। दोस्तों दोनों ही बॉलिंग और बैटिंग करते हैं। जेमी ओटन जो कि फिलहाल रन बना रहे हैं, हालांकि बैटिंग थोड़ी सी नीचे है तो अभी के लिए ड्रॉप करना चाहूंगा। उसामा में लगातार विकेट निकाल रहे हैं, टीम में आप पिक करके चल सकते हो, हालांकि स्पिनर हैं थोड़ा सा समझिए। फिर टॉम हटली को आप ड्रॉप कर दीजिएगा अगर उसामा मेर को टीम में रखते हो, या तो फिर टॉम हटली को रखते हो तो उसामा मेर को ड्रॉप कर दीजिए। दोनों स्पिनर हैं। एंड स्कोर करी दोस्तों लास्ट मैच 2 विकेट लेकर गया, ज्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको, ध्यान रखना है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे फजल अखबार की 1 विकेट 2 विकेट थोड़ा सा बैक हुए हैं। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट बॉल करते हुए आप टीम में ट्राई कर सकते हो। अगेन यहाँ पे दोस्तों बेंच की बात करेंगे, हेलन या बेकर स्टैनली आपको मिलने वाले, कोई अपडेट होगा इस टीम से तो टेलीग्राम चैनल पर आपको भाई अपडेट कर दिया जाएगा। एंड दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक बात करें तो फिर कॉमन जो सीबीसी रहने वाले ओल्टर और यहाँ पे अंदरअसल लियम डॉसन, ये सभी के रहने वाले। बाकी दोस्तों यहाँ पे आप जो कुछ अलग करना चाहते हो तो फिल स्टार्ट हो गए, सिकंदर रजा हो गए, एंड मैथ्यू हार्ट जो मैंने आपको बताया गाइस तो वो ट्राई कर सकते हो आप लोग। एंड अभी के लिए जो हमारी फैंटेसी टीम का प्रीव है गाइस तो इसे आपसे देख सकते हो। बाकी गाइस लियम डॉसन अंदरअसल ये यूनिक हो सकता है, डेन लॉरेंस फ्लिप स्टार्ट। अब दोस्तों हर्ष को मैंने ड्रॉप करा, हालांकि दोस्तों हर्ष आपके लिए ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इस कैरी एंड यहाँ पे नथन लिस्ट, दो में किसी एक का सिलेक्शन कर सकते हो, या दोस्तों मैंने बताया था ओली स्टोन नथन लिस्ट दो में किसी एक को रखना है, तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आप ओली स्टोन को भी ड्रॉप करिएगा, हस्ट को यहाँ पे ट्राई करिए। ठीक है, एंड उसको सीबीसी भी चेस करते हुए कर सकते हो आप लोग। अभी जब अगर देखिए मैंने एक चीज़ ये क्लियर किया था आपको स्टार्टिंग में कि आप एक्स्ट्रा बॉल्स वाली भी एक टीम बनाइएगा, एक टीम जो है फिर आप जो है बैटिंग सेक्शन वाली बनाइएगा एक्स्ट्रा बैट्समैन वाली, और जो हमारी तीसरी टीम होगी वो थोड़ी सी हटके होगी। ठीक है, तो उसमें फिर आप फ्लिप स्टार्ट और जो है हस्ट वाला कॉम्बिनेशन कर सकते हो। दोस्तों दोनों रिस्क खिलाड़ी हैं और ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी होंगे मेगा ग्रैंड लीग के लिए, अच्छे खासे रन बना रहे हैं रिसेंट के मैचेस में तो उस कंडीशन में। बाकी जिसमें हम ज़्यादा बॉल्स रखेंगे तो आप देख सकते हो फिर उसमें ऑलराउंडर को सीबीसी कर सकते हो, दरअसल लियम डॉसन को। बाकी का जो और अपडेट होगा वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और फिर जो दूसरी हमारी बैटिंग एक्स्ट्रा बैट्समैन वाली टीम होगी वो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसमें क्या करेंगे फिर इन दो में किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। एंड दोस्तों कैरी को जहां तक मैं रखना चाहूंगा, उसामा मेर को रख लिया तो फिर टॉम हंटली को हमने ड्रॉप कर रखा, रिचार्ड ग्लेसन टीम में होने चाहिए। एंड जो सीबीसी का कॉम्बिनेशन ये वाला कर सकते हो गाइस। ठीक है, बाकी कुछ यूनिक करना चाहते हो पी वोल्टर सिकंदर अजल लियम डॉसन अंदरअसल गाइस। ठीक है, बाकी अपडेट के लिए तो टेलीग्राम चैनल पर आपको आना होगा, और दोस्तों गिवे पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। गिवे पार्टिसिपेट करके क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल पर आप लोग आ जाइए, जिससे कि दोस्तों आपको प्राइस आपका मिल सके। दोस्तों वहाँ पे मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल देता हूँ, जिससे कि आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना था, मिलेंगे नहीं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।